शिक्षा के जिससे जीवन में उजियारा है, जीवन में उजियारा है। शिक्षा हमसे छूट गई तो, शिक्षा हमसे छूट गई तो जीवन का अंधियारा है। चारा 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 चारा। बहनों, हम आज सीखेंगे दो अक्षर ग और ळ। भाई, ये अपने पंडित जी ढाबे में खड़े हैं, पर इनका ये गमछा उड़कर कहाँ गया? अरे, ये तो बन गया अक्षर ग। जरा इस गमछे को एक बार फिर गौर से देखें। ये पंडित जी का गमछा बन जाता है अक्षर ग, और गमछा शुरू होता है ग से। नमस्ते। लो, मैं फिर आ गई। भाई, तुम लोग भी सोचती होगी कि मैं अपने आने के वक्त को कभी भूलती ही नहीं। भूलूंगी भी कैसे? मुझे ख्याल रहता है कि तुम लोग अपना काम खत्म करके मेरे इंतजार में बैठी होगी, है ना? सच बात है ये। तो बहनों, आज हम लोग सीखेंगे अक्षर ग। ये तो इतना आसान है कि तुम सब हैरान रह जाओगी। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत भी है। लिखे, ये वही खड़ा डंडा यू, गोल बिंदी एक और खड़ा डंडा, वही छत वाली लकी, ये बन गया अक्षर ग। एक बार फिर देखें। अच्छा बहनों, मैं अभी जाकर फिर आती हूँ। हाँ, तब तक तुम ये अक्षर को लिख लिख कर देखो, फिर आती हूँ। हाँ, ये देखो गमला जिसमें हम पौधे लगाते हैं। ग म ल आ, है ना कितना आसान? गमला। ये गाजर खाने में मजेदार भी है और फायदेमंद भी। ग आ ज र गाजर। मकानों के बीच ये कितनी साफ गली है, ग ल ई गली। अब इसी साफ गली में कूड़ा कचरा फेंके तो ये गली कितनी गंदी हो जाती है। ग ऊपर बिंदी द ई ग ल ई गंदी गली। छोटू। जी लाला जी। तू कह रहा था तूने दर्शन सिंह का ट्रक देखा है? देखा है लाला जी, नहर के पास खड़ा है। दर्शन चाचा उसे धुलवा रहे हैं। फिर वो यहाँ क्यों नहीं आया? बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। बल्ले बल्ले नीरेशमी रुमाल वालिए। ओ पंडिता, ओ तू फिक्र ना कर, मैं आ गया। अरे दर्शन, अरे आ आ भाई, इधर आ। भाई पंडिता, तेरा खाना मेरे बगैर हजम नहीं होता। हाँ। और मेरा तेरे बगैर। भाई दर्शन कहाँ गायब हो गया था? जाता है तो मेरे ढाबे की सारी रौनक अपने साथ ले जाता है। पंडित, और तेरी बातें तेरे खाने से भी ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, अब पहले ये बता कि खाना खाएगा या चाय पिएगा? अरे पंडित, चाय वा तो शहर तो चोच ले। अस्सी तो असली झट है, लस्सी दे सेट। अरे ओ छोटू भाई, दर्शन सिंह के लिए लस्सी बना कर ला। अभी लाया लाला जी। चेती कर के ला। अरे दर्शन, इस बार कहाँ से आ रहे हो? भाई पंडिता, इस बार अपने देश के दिल तक गया था। ओ, यानी के दिल्ली गए थे? आहो, भाई पंडित, दिल्ली में बहुत मजा आ गया। अरे वो तो भारत की राजधानी है। अच्छा ये बता दर्शन कि तूने क्या क्या देखा वहाँ? भाई पंडिता, देखा तो बहुत कुछ, मगर वहाँ की सड़कें भूल भुलैया हैं। अच्छा। फिर भी जहाँ तक देख सका देखा। अरे भाई जल्दी बता क्या क्या देखा। अब बताता हूँ बताता हूँ, और पहले पानी तो पिछवा दे। ओ अच्छा अच्छा, अबे ओ छोटू पानी दे जा दर्शन को। भाई पंडित, सबसे पहले तो मैंने कुतुब मीनार देखा।
कुतुब मीनार का नाम दिल्ली शहर की पहचान है। ये मीनार लगभग 700 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। पुरानी दिल्ली में शाहजहां की बनवाई हुई जामा मस्जिद भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है और लाल पत्थर से बना यह किला लाल किला कहलाता है। इसकी हर ईंट दिल्ली के इतिहास की कहानी कहती है। वही लाल किला जिस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं। अच्छा दर्शन, ये बता वहाँ का बाजार कैसा है? पंडिता बाजार की तो मत पूछ। क्यों? भूल भुलैया है। अरे एक बाजार है पाल का बाजार, हाँ। जो जमीन के अंदर है। अंदर है। क्या जमीन के अंदर? नई दिल्ली में जमीन के नीचे बना हुआ पालिका बाजार अनोखा है। इसमें सैकड़ों दुकानें हैं और पूरा का पूरा बाजार जमीन के नीचे है। पालिका बाजार नई दिल्ली के मशहूर बाजार कनॉट प्लेस के बीचों बीच बना हुआ है। कमाल है। और क्या क्या देखा तूने वहाँ? ओ देखता तो बहुत कुछ, मगर ट्रक वापस लाना था। ये ड अक्षर तो तुम्हें याद ही होगा। अरे वही डाक वाला ड। अगर इस ड के नीचे हम एक बिंदी लगा दें तो वो बन जाएगा अक्षर ल। ये देखो, अक्षर ड के नीचे एक बिंदी, बन गया अक्षर ल। बहनों मैं आ गई, और आज आज मालूम है मैं कौन सा अक्षर लेकर आई हूँ? अक्षर ल। पहले ये एक छोटा खड़ा डंडा ऐसे, अब उससे मिलाकर ये टेढ़ी सांप जैसी लकीर बनाई यूं, और फिर क्या है? वही बिंदी। ऊपर क्या बोलो? वही छत वाली लकीर। एक बार फिर देखो। ये छुक छुक करती रेलगाड़ी चलती जा रही है, लेकिन इसके पीछे ये कौन सा शब्द है? ये है रेलगाड़ी। र ए ल ग आ ड ई रेलगाड़ी। ये है लड़की। ल ड ग ई लड़की। लड़की के बालों की चोटी और कान के बुंदे हटाए और बन गया लड़का। ल ड क आ लड़का। ये है गोबर गैस बनाने का संयंत्र। गोबर गैस। उपलों की तरह गोबर गैस भी गोबर से ही बनती है, मगर ना तो गोबर गैस को जलाने में देर लगती है और ना ही इसमें धुआं होता है। गोबर गैस संयंत्र लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि सरकार इसमें आपकी सहायता करती है। शीघ्र ही अपने ब्लॉक प्रमुख से पूछें। मौसी लेगी तो बेटी, इस तेरे लिए लाई हूँ कुछ। ये क्या मौसी, हर दूसरे तीसरे दिन कभी फल कभी सब्जियाँ ले आती हो और पैसे भी नहीं लेती। अरे ये कौन से हीरा मोती हैं? मैं जो कुछ भी लाऊं अपने खेत का ही तो होवे है। मैं तुझे नहाने का साबुन तो देती नहीं, जो मैं खुद ही बाजार से खरीद के लाऊं। अरे आरी सुशीला की माँ, आओ बैठ।
बैठो। लड्डू, ये किस खुशी में? सुशीला की शादी पक्की है गई है और अगले हफ्ते उसके ससुराल वाले आवेंगे, दिन तारीख तय करवे को। अरे सुशीला की शादी, और हमें पता ही ना है? तभी तो लड्डू देकर सबको बताने जा रही हूँ। कब है शादी? है हुई कब ये? ये तो मुहूर्त से पता चलेगा, पर इसके बापू को जल्दी बहुत लगी है, कह रहे थे दशहरे पे कर दूंगा। दशहरे पे? ये तो बहुत गलत बात है। एक बात तो ये कि वो अभी पढ़ रही है, और दूसरे वो भी बहुत छोटी है। छोटी कहाँ है बहन जी, वो तो 15 साल की हो गई है। फिर भी शादी के लिए तो छोटी है ना? हैं? रहने दो मौसी, मेरा ब्याह तो 14 बरस की उम्र में हो गया था, और गौना भी। हाँ हाँ पता है, प्रेम की माँ लाजवंती को भूल गई, 14 की उम्र में उसका बेटा हो गया था, फिर 3 दिन के बच्चे को छोड़ के चल बसी। मौसी तुम्हारी शादी भी तो कच्ची उम्र में हुई थी। हाँ हुई थी, उसी का नतीजा तो आज तक भुगत रही हूँ। देखो जो लाजवंती के साथ हुआ वो सुशीला के साथ भी हो सकता है। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी लड़की? भगवान ना करे। अरे सुशीला की माँ, कच्ची उम्र की शादी में औरत मरे ना तो भी अधमरी तो हो जाती है, तो ऐसी बेफिजूल शादी से फायदा? अब तो सरकार ने भी कानून बना दिया है कि 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं हो सकती, और फिर हमारे गांव की पंचायत ने भी तो तय कर दिया कि 18 से कम की उम्र में लड़की की शादी करे तो हुक्का पानी बंद। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया मौसी, और मेरे इतने सारे लड्डू। तो इसमें परेशानी क्या है? आगे जाके कह देना कि उसके पास होने की खुशी में। पास होने की खुशी में इतने सारे लड्डू? अरे बुद्धू, पास होना शादी होने से बहुत बड़ा होता है, समझी? और मरी क्यों जा रही है? लड्डू के पैसे मुंह से ले लीजिए। हाँ, सुशीला मेरी भी तो बेटी है। सा ड का सड़क, ल डा क आ का डंडा लड़का, ल डा क बड़े की मात्रा लड़की, गा आ का डंडा या गाय, ग मा ल आ का डंडा गमला, ग आ का डंडा ज रा गाजर, ग बिंदु द बड़ी की मात्रा गंदी। Thank you.